ਹਾਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਖਾਲੀ ਹਾਥੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। दरअसल पंचकुला दे मोरनी टी पॉइंट दे नजदीक बने एक जंगल दे विच ए पांच दोस्त घूमन लई गए ते जंगल दे अंदर बड़े ही तालाब दे उत्ते सैल्फियां लैण लग पए। सैल्फी लैंदे हुए नौजवानां दा पैर तिलक गया जिन्हां दे विचों तीन नौजवान तालाब च डिग गए। पानी च रुड़न लगे, एक नूं तां बचा लिया गया पर दो नौजवान इस पानी दे तेज वहाव दे विच रुड़ गए जिन्हां दा अजे तक कोई भी पता नहीं लग सकिया है। गोताखोर अजे तक इन्हां दी भाल कर रहे ने। दसिया जा रहा है कि ये दोवें नौजवान 18 ते 19 साल दे सन। एक दा नाम इरफान ते दूसरे दा नाम प्रिंस है। दोनों ही पानी दे विच रुड़ गए ने। पुलिस प्रशासन मौके ते मौजूद है ते गोताखोर भी लगातार इन्हां नौजवानां दी भाल कर रहे ने। वड्डी गल ये है कि जदों भी सैल्फी लैने आ तां अक्सर ही असीं इन्ने मगन हो जाने आ कि आसपास दा ध्यान नहीं रहिंदा, खतरा मोल लै लैने आ। हालांकि कोई पहला मामला नहीं, इस तो पहला भी बहुत बार अजिहा देखा जा चुका है कि सेल्फी लेंदे चाहे पहाड़ ते हों या किसी जनतक थां ते कोई ना कोई हादसा वापर जाता है। सो इत्थे इन्हां नौजवानां दे नाल दोस्तां दे नाल भी अजिहा ही कुछ होया है कि इस सेल्फी लै रहे सन, पैर तिलक गया, तालाब दे विच रुड़ गए ते दो नौजवान इस पानी दे विच डुब गए ने। फिलहाल इन्हां दोनों नौजवानों के परिवारों के मातम पसरिया होया है ते गोताखोर ते प्रशासन लगातार इन्हां नौजवानों की भाल कर रहे ने। ये हम अभी आए थे जी, यहाँ पे 4 बजे आए थे नहाने और क्या कहते थे वहाँ पे नहा रहे थे जी और हम बाहर बैठे हुए थे, वो नहाने लगे तो एकदम पता नहीं क्या हो गया, वो नीचे को चल गए जी पानी में, पता नहीं लगा। कौन कौन गया था पानी में? वो इरफान था जी, एक का नाम प्रिंस। अच्छा, तो क्या निकालने का प्रयास नहीं किया या क्या हुआ, कैसे निकालना था जी? ये लड़का भी था साथ में, मैम तो उसको तो खींच ले गई पकड़ के जी। फिर आपने सूचना दी यहाँ आकर के? नहीं, वो एक रामगढ़ का लड़का था, वो उसने बताया यहाँ पे। ठीक है, बैग बताओ कैसे शुरू हुआ? नहीं, वो हम यहाँ पे थाने में गए, थाने में गए, हाँ जी, वहाँ पे जाके बताया हमने। ये अमन जो मनीमाजरा के रहने वाला है, ये 5 बच्चे नहाने के लिए यहाँ डैम नंबर 9 नाडा साहब का एरिया पड़ता है जंगल में, वहाँ आए थे। उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी है कि उनके साथ 2 बच्चे इरफान और प्रिंस थे जो उस डैम में नहाते हुए डूब गए जी। तो हम स्पॉट विजिट कर लिए और हम उनकी क्लास के लिए टीम का गठन कर रहे हैं। तो अभी सर शव निकाले गए हैं, कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है? अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने बुला लिया जी, कि डैम है उसके गहराई का हमें अभी पूरा अनुमान नहीं है। डिपार्टमेंट फॉरेस्ट से आ चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लान को देख के फिर वो सर्च शुरू करेंगे। अच्छा, तो सर उम्र कितनी है जो युवक डूबे हैं, तो कुछ पता लगा कैसे डूबे, दलदल थी या क्या था? दलदल के बारे में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा दलदल है जी, दलदल के कारण वो डूबे और पानी भी काफ़ी मात्रा में 30-35 फुट पानी की गहराई जी। तो वो एक लड़का 22 साल का है, एक लड़का 19। चंदन, तो सर शव कब निकाले जाएंगे फिर? अभी लगे हुए, अभी देखते हैं, अदरवाइज जब अंधेरा हो चुका है और जो अंधेरे में के कारण अभी सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो सुबह हम दोबारा से सर्चिंग शुरू कर देंगे।